नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस क्लास में हर एक सवाल का पोस्टमार्टम होता है जो आपकी आने वाली तैयारी में चार चांद लगाएगा। जब आप इस क्लास को स्टार्ट से लास्ट तक देखोगे तो आप जरूर इससे कुछ न कुछ नया सीखोगे, और नया सीखना ही विद्यार्थी का क्या होता है भाई, धर्म होता है। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, हमेशा अच्छी चीजें जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। अलवर क्षेत्र की एक लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है, तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, और पहला ऑप्शन है सुगाली माता, सचियाय माता, जिलानी माता और लटियाल माता। पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे ये है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी बता दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, जवाब देना है। बताइए, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सुगाली माता, सचियाई माता, जिलानी माता या लटियाल माता। बताइएगा भाई। वेरी गुड, जिलानी माता। वेरी गुड। तो जिलानी माता का मंदिर कहां पर है? जिलानी माता का मंदिर है भाई बहरोड के अंदर। बहरोड कहां पर है? अलवर के अंदर है। और इसे अलवर की लोक देवी कहा जाता है। अलवर की क्या कहा जाता है? लोक देवी कहा जाता है। कहते हैं कि जिलानी माता गुर्जर क्या थी, एक गुर्जर जाति की महिला थी और इसी रूप में ये लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत के अंदर सल्तनत काल में और मुगल काल के अंदर जब लगातार हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस समय इन्होंने क्या किया था, जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को रोका। तो जो हिंदू धर्म में जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस धर्म परिवर्तन को रोकने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो जिलानी माता ने निभाई थी। और जिलानी माता बहरोड अलवर की रहने वाली थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा है सुगाली माता के बारे में। तो सवाल के पास में ही सवाल आपको मिला है, और वो मिला है सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में आपसे पूछा जाएगा ये किसकी कुल देवी है? तो आप कहोगे सर सुगाली माता है ये चंपावतों की कुल देवी है। किसकी? चंपावतों की कुल देवी। चंपावतों की कुल देवी है, ये याद रखना है। और आपको पता होगा इसे 1857 की क्रांति होती है, उसकी आराध्य देवी कहा जाता है। तो 1857 क्रांति की आराध्य देवी कौन सी माता है? तो आप कहोगे सर सुगाली माता है। ऐसा कहा जाता है कि आऊवा के ठाकुर, आऊवा के ठाकुर कौन थे भाई? आऊवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, और ये कुशाल सिंह की कुल देवी हुआ करती थी। आऊवा के कुल ठाकुर कुशाल सिंह की ये कुल देवी हुआ करती थी। और इनका जो उस समय मंदिर था, वो मंदिर आऊवा के किले में था। किसके किले में था? आऊवा के किले में था। फिर भी आपसे सवाल इससे आगे पूछे तो याद रखना, कहते हैं कि माता जी के 10 तो सिर है। कितने सिर है? 10 तो सिर है और 54 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 54 भुजाएं हैं। ऐसा कहा गया कि जब बिथोड़ा के युद्ध में और चेलावास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को 2 बार हराया और मॉक मेसन को मार दिया, तो लोगों के अंदर यह धारणा फैल चुकी थी कि साहब माता जी है इनके पास सुगाली माता, और सुगाली माता का इनके ऊपर आशीर्वाद है। और इनका आशीर्वाद होने के कारण ये क्या कर रहे हैं भाई, लगातार युद्ध के अंदर जीत रहे हैं। जब कहते हैं अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है तो अंग्रेजों ने कहते हैं कि यहाँ से मूर्ति उठाने का निश्चय किया था। तो कहते हैं कि बाद में ये मूर्ति होती है, इस मूर्ति को कौन लेके चला जाता है? एक अंग्रेज होता है होम्स, और होम्स इस मूर्ति को लेके चला जाता है अजमेर के अंदर। कहाँ लेकर चला जाता है? अपने साथ अजमेर में लेके चला जाता है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि अजमेर आऊवा के किले में सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ अजमेर कौन लेके गया था? वो लेके गया था होम्स। कौन लेके गया था? होम्स लेके गया था। बाद में कहते हैं कि इस मूर्ति को कौन लेके, अंग्रेज कहाँ लेके चले गए थे? अजमेर में। वर्तमान में ये जो मूर्ति है वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में पाली के अंदर एक संग्रहालय है जिसका नाम है बांगड़ संग्रहालय। याद रखना, बांगड़ संग्रहालय के बारे में पूछे तो कहां पर है? पाली के अंदर है। और ये मूर्ति अभी पाली के अंदर बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। ये भी आपको याद रखना है, अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगली बात ये पूछी जाएगी आपसे कि सुगाली माता का पैनोरमा, और सुगाली माता का पैनोरमा आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे सर सुगाली माता का पैनोरमा है वो आऊवा के अंदर है। कहां पर है? आऊवा के अंदर है। आऊवा कहां पर है? आऊवा पाली के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। वर्तमान में यह पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। ये भी याद रखना है। अगली एक माता है जिनका नाम है सचियाई माता। तो सचियाय माता से बार रिलेटेड आपसे सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे, सर माता जी का मंदिर है ओशिया के अंदर। मंदिर कहाँ पर है? ओशिया के अंदर। ओशिया कहाँ पर है? तो ओशिया जोधपुर के अंदर है, ये भी याद रखना है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, भाई साहब ओशिया जोधपुर के अंदर सचियाई माता का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था? तो इस मंदिर का निर्माता था भाई उपल देव। कौन था? उपल देव परमार था, ये भी याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मंदिर का निर्माण जिस शैली में हुआ है वो किस शैली में हुआ है भाई? वो मारू प्रतिहार शैली में, मारू प्रतिहार शैली में हुआ था। ये भी आपको मारू परमार शैली के अंदर हुआ था, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके बारे में, ये जो किसकी कुल देवी है? तो ये ओसवाल होते ना, ओसवाल, ओसवालों की कुल देवी है। ओसवालों की कैसी देवी है? कुल देवी है, ये भी आपको याद रखना है। सचियाई माता के बारे में, सचियाई माता का मंदिर ओशिया के अंदर है। ओशिया को उपकेश पाटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकेश पाटन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? ओशिया के बारे में याद रखना है। ठीक है भाई, ऐसे सवाल भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है आपको। फिर लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? लटियाल माता का मंदिर जोधपुर के अंदर है, फलोदी के अंदर। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल भी आपके लिए रोचक होने वाला है। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ भाई राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर एक गांव है मोलेला, और मोलेला गांव कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी या थेवा कला? तो आपको बताना है। हमारे राजस्थान के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है मोलेला गांव। कहां पर है? कौन सा गांव है? मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद में है। बताइएगा भाई, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आपको जवाब देना है। बताइएगा भाई, सवाल आपसे पूछा है हस्तकला से रिलेटेड, और आपको अच्छे से समझ के जवाब देना है। क्या जवाब दे रहे हैं वो आपको सोच के देना है। बताइए, इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे और इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। बताइएगा भाई, हमारे राजस्थान के अंदर है गांव मोलेला गांव, और मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर मोलेला गांव है टेराकोटा के लिए। किसके लिए है? टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे टेराकोटा से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि मोलेला गांव है, यहाँ पर कहते हैं यह मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या बनाई जाती है भाई? यहाँ पर कहते हैं कि मिट्टी, गिल्ली मिट्टी और गधे की लीद से क्या बनाई जाती है? मूर्तियां बनाई जाती है। आपको पता होगा एक व्यक्ति है जिनका नाम था मोहनलाल कुमावत, और मोहनलाल कुमावत को किसके लिए जाना जाता है भाई? टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सवाल आपसे पूछा जाएगा टेराकोटा में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां बनती है? तो टेराकोटा में सर्वाधिक मूर्तियां बनती है देव नारायण जी की। किसकी बनती है भाई? देव नारायण जी की मूर्तियां बनती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में याद रखना है तो टेराकोटा के अंदर याद रखना है। मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे है। और इस मोलेला को कौन सा टैग मिल चुका है भाई? जीआई टैग मिल चुका है। याद रखना मोलेला की टेराकोटा को। और इसके अलावा इसके बारे में आपको ये भी याद होगा कि इसको मोलेला क्ले वर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलेला क्ले वर्क भी कहते हैं। ये भी याद रखना, ये मोलेला गाँव जो टेराकोटा है इसे मोलेला क्ले वर्क कहते हैं। कौन सा वर्क कहते हैं? क्ले वर्क कहते हैं। बेहतरीन सवाल होते हैं और अक्सर ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, बाकी आपको पता है मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। अक्सर सवाल कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछता है? घुमाकर पूछ लिया जाता है, इसलिए एक एक सवाल को बेहतरीन और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल आपसे ये कह रहा है, बताओ मेरे भाई राजस्थानी संस्कृति में जणोतण क्या है? तो अपने राजस्थान कल्चर है, राजस्थान कल्चर में जणोतण क्या होता है ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, सुनील सिंह गुर्जर, द्रौपदी चंदेल, अजू परमार, जीवराज दांदू, द्रौपदी चंदेल, सुरेश कड़वासरा, अंशु सोलंकी। बताइएगा भाई, फटाफट आंसर बताओ, हमारी राजस्थानी संस्कृति में जणोतण क्या होता है? अरे बता दो भाई, जणोतण क्या होता है? वेरी गुड, सुनील सिंह गुर्जर, द्रौपदी चंदेल, वेरी गुड, द्रौपदी चंदेल ने बताया। और कोई बता दो भाई, राजस्थानी संस्कृति में जणोतण क्या होता है? वेरी गुड। आकाशपुरी, पवन मेड़ा, द्रौपदी चंदेल, सोनू लोहिया, अजू परमार, निकिता, रीना मेटा, भिकाराम पटेल, वेरी गुड। ये राजखट्टिक आदमी, ये बंडा आदमी है, राजखट्टिक बंडा लग रहा है मेरे को, इसकी अभी शादी वादी नहीं हुई है। ये देखो हर्षित मेड़ा भी बंडा लग रहा है भाई, तुम लोगों की शादी नहीं हुई इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या होता है जणोतण। जणोतण का मतलब होता है कि वर पक्ष, किसके द्वारा? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला क्या है? भोज है। उस भोज को क्या कहा जाता है? जणोतण कहा जाता है। तो वर पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है भाई? जणोतण कहा जाता है, ये याद रखना है। एक होता है बडार, बडार के बारे में भी याद रखना। ये क्या होता है? एक भोज होता है। क्या होता है भाई? एक भोज होता है जो विवाह के बाद दिया जाता है। विवाह के बाद गांव में अपने हताई होती है, विवाह के बाद जो भोज दिया जाता है उसको कहते हैं बडार। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जौसर क्या है? तो जौसर का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपना जीवित खर्च करना चाहता है, जीते जी अपने क्या करना चाहता है? जीवित खर्च, अर्थात जीते जी क्या करना चाहता है? अपना मातम मनाना चाहता है, और एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन करवाता है जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाता है, उसे कहते हैं जौसर। एक होता है मौसर। मौसर क्या होता है भाई? तो मौसर मरने के बाद 12वें दिन जो भोज दिया जाता है उसको कहते हैं मृत्यु भोज। कैसा भोज? मृत्यु भोज। मौसर, जौसर जीवित व्यक्ति का भोज होता है जो जीते जी अपना भोजन करवा देता है, न्यात करवा देता है उसके लिए। ठीक है भाई, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। बडार, जौसर, मौसर और जणोतण। कौन सा टण? जणोतण है। हाँ, ऐसे सवाल अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं भाई? सीधे। अरे यार बिंदोड़ा, अरे बिंदोड़ा, तुम लोग बिंदोड़े के चक्कर में बैठे हो अभी तक हैं। कईयों ने खा लिए, उनको पूछो खाए उनके क्या हाल है, और बाकी वाले नहीं खाने वाले तैयारी में बैठे कि सर बिंदोड़ा। अरे बिंदोड़ा क्या होता है? बिंदोड़े के बारे में एक बात याद रखना, आपके क्या होते हैं भाई? पड़ोसी होते हैं, आपके क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। बड़े खुश होते हैं कि अब इस आदमी की जो परमानेंट खुशी है वो खुशी क्या होने वाली है? खुशी का दी एंड होने वाला है, और उसकी खुशी में आप क्या करते हो? शरीक होते हो। वो खुशी आपकी नहीं होती है, वो इनके लिए होती है। तो वो आपको भोजन करवाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं। अच्छा, तेरा बंदोड़ा है, तू शादी करेगा, मेरी तरफ से खाना खा, तू मेरी तरफ से क्या खा? खाना खा। और जैसे ही आप खाना खाओगे वो कहेंगे वाह भाई मजा आया। तो याद रखना, ये तो क्या होता है बंदोड़ा। बंदोड़ा भी शादी के पहले रिश्तेदारों के द्वारा जो वर पक्ष होता है, जो लड़का या लड़की होती है उनको जो जीमन जिमाया जाता है ना, उसको कहते हैं बंदोड़ा। क्या कहते हैं भाई? बंदोड़ा कहते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना कि बंदोड़ा होता है। कईयों ने बंदोड़ा खाया है ना, उनसे पूछो। आपकी कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अभी अपनी जिंदगी को किस तरह से मैनेज करें उनको पता है। तो इसमें भी वो होता है ना, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। खाने वाले पछता रहे और नहीं खाने वाला कहता है कि एक बार खा लेते हैं, बाद में पछताएंगे, वो जो होगा सो देखा जाएगा। ये सब क्या होता है? स्वाद का चक्कर है, इसलिए इस स्वाद के चक्कर में मत रहना, ठीक है? बाद में ये स्वाद भारी पड़ जाता है, बताइएगा भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल ये कह रहा है कि भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? तो एक वस्त्र है, और वस्त्र क्या है? कच्छाऊ। और भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? इसका आपको जवाब देना है, बेहतरीन जवाब देना है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक, कच्छाऊ कौन पहनता है? हर्षित मेड़ा, आकाशपुरी, राज खटेक, मोती सिंह चौहान, अजू परमार, सुनील सिंह गुर्जर, राज खटिक, बताइएगा भाई। करेक्ट आंसर बताना है। हनुमान प्रसाद शर्मा, हेमराज मीणा, द्रौपदी चंदेल, सोनू लोहिया, अजू परमार ऑफिशियल, पवन मेड़ा, नितिका शर्मा, बताइए प्रेम शर्मा, वेरी गुड। मोती सिंह, राजमल मीणा, T20 2023, वेरी गुड। अजू, आकाश, विकास, हर्षिता। तो इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, कच्छाऊ कौन पहनता है भाई? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। कच्छाऊ जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है ना, उन महिलाओं का क्या होता है भाई? घाघरा। क्या होता है भाई? घाघरा। जाओ चाहे दिल्ली चाहे आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। ये घाघरा पहनती है भील जनजाति की महिलाएं, उसको क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। बाकी घाघरे के ऊपर तो बहुत सारे क्या बन चुके हैं? घाघरे के ऊपर बहुत अधिक क्या बन चुके हैं? गाने। मेरा आशी कली का घाघरा, ये भी है ना, घाघरो घूमे, ठीक है, दिल्ली घूमे, आगरा घूमे घूमे मेरा घाघरा। अब देखो भाई आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कच्छाऊ कौन पहनता है, तो भील जनजाति की महिलाएं होती हैं जो घुटने तक अपना पहनती है क्या घाघरा, उसको कहते हैं कच्छाऊ। अब आपसे पूछा जाएगा कटकी क्या है, तो कटकी के बारे में याद रखना हमारे राजस्थान के अंदर भील जनजाति है, और भील जनजाति की जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, कैसी कन्याएं, अविवाहित कन्याएं जिनकी क्या नहीं हो रखी है, शादी नहीं हो रखी है, तो भील जनजाति में अविवाहित कन्याओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है, अविवाहित कन्याओं के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं कटकी। क्या कहते हैं भाई, कटकी कहते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ भाई रेजा क्या है, ये कभी पूछ ले। रेजा, तो रेजा कहते हैं राजस्थान के अंदर एक जनजाति है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और सहरिया जनजाति के अंदर जब विवाह होता है और विवाह के अवसर पर जो महिलाएं होती है ना, विवाह पर जो महिलाएं क्या पहनती है, वस्त्र पहनती है, उसको कहते हैं रेजा। क्या कहते हैं भाई, रेजा कहते हैं। एक होता है खुशनी, तो खुशनी कौन पहनती है भाई, तो खुशनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कंजर जाति होती है, कंजर जनजाति, और कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है उन महिलाओं का क्या होता है, ये घाघरा होता है, उन महिलाओं का ये क्या होता है, घाघरा होता है, उसको क्या कहा जाता है, खुशनी कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करता हूं मैं। तो एक होता है फड़का, क्या होता है फड़का, तो फड़का के बारे में याद रखना राजस्थान के अंदर एक जनजाति है कथौड़ी जनजाति, और कथौड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या पहनती है भाई, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। किस अंदाज में, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उस साड़ी को क्या कहते हैं भाई, तो मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी, उस साड़ी को क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। याद रखना है क्या, फड़का कहते हैं। फिर आपसे अगर पूछ ले कि पीरिया क्या है, पूछे पीरिया क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर पीरिया एक क्या है भाई, लहंगा है, और ये लहंगा कौन पहनती है, तो भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, किस जनजाति की, भील जनजाति की जो महिलाएं होती है, वो महिलाएं जब उनका विवाह होता है और विवाह के अवसर पर वो अपना लहंगा पहनती है, उस लहंगा को क्या कहते हैं भाई, पीरिया कहते हैं। एक होता है सिंदूरी, याद रखना एक क्या होता है भाई, सिंदूरी होता है, और सिंदूरी के बारे में आपसे पूछे सिंदूरी क्या है, तो भील जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती है भाई, अपनी शादी के अवसर पर लाल रंग की साड़ी पहनती है। कैसे रंग की, लाल रंग की साड़ी पहनती है, और इस लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं, पीरिया कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है भाई, क्या रखना है, याद रखना है। ऐसे सवाल जो आपको याद रखने हैं, मिसमैच नहीं करना है, डायरेक्ट एकदम क्या करना है, सही करना है। और आप बिना बताए अब वीडियो को लाइक करना है, और फिर अगले सवाल को देखते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ये देखिए अगला सवाल कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। हमारे राजस्थानी संस्कृति में एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है ओलंदी, और ओलंदी क्या है उसका आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से दबा के खींच के आपको आंसर देना है कि ओलंदी क्या होता है। विवाह का एक प्रकार है, एक देशी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है। बताइएगा भाई ओलंदी के बारे में, आपसे इतना अच्छा सवाल पूछा है, बताइए। वेरी गुड, क्या पूछा है, ओलंदी के बारे में आपसे सवाल पूछा है, बताओ ओलंदी क्या है। बहुत बढ़िया, ओपी बिश्नोई, राज खटीक, पवन मेड़ा, जितेंद्र महावर, नितिका शर्मा, सोनू लोहिया, कल्पना गौतम, आशु सोलंकी, प्रेम शर्मा, वेरी गुड, रीना आमेटा, मोती सिंह जी चौहान। राइट आंसर ये होता है जब नववधु कहाँ जाती है, नववधु मतलब नवी बींदनी, पहली बार जब अपने पति के साथ ससुराल जाती है, तो जब वो ससुराल जाती है तो क्या होता है भाई, उसके साथ उसके परिवार की कोई लड़की यानी उसकी बड़ी बहन या उसकी चाची, ताई, बड़ी मम्मी या फिर उसकी खुद की कोई सिस्टर वगैरह जाती है, उसको ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलंदी कहा जाता है। तो याद रखना कि पहली बार जब दुल्हन जाती है अपने ससुराल, तो उस समय उसके परिवार से एक महिला उसके साथ जाती है जिसका नाम होता है क्या, ओलंदी होता है। ठीक है, जिनकी शादी हुई है उनको पता है ओलंदी क्या होती है, बाकी की जिनकी नहीं हुई है उनको पता चलेगा कि मेरी पत्नी के साथ एक और महिला आई है, मतलब चक्कर क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो चक्कर ये होता है आपकी पत्नी पहली बार आपके घर पे आती है, इसका मतलब ये होता है आपके परिवार वाले उसके लिए अनजान है और वो आपके लिए अनजान है, और उसका मन लगा रहे उसके लिए किसको भेजते हैं भाई, ओलंदी को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? ओलंदी को भेजते हैं, ये याद रखना है। तो नववधु के साथ जाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। एक बात और याद रखना है आपको, आपसे कभी सवाल पूछ ले कि देखिए भाई जब कन्या होती ना, महिला यानी कन्या यानी वधु का जब विवाह होता है और वधु के विवाह के दौरान जब फेरे होते हैं उस दिन क्या होता है भाई, उसके जो घर वाले होते हैं वो क्या नहीं करते हैं भाई, भोजन नहीं करते हैं और उस दिन व्रत रखते हैं। तो लड़की के विवाह के अवसर पर लड़की के परिवार के वालों के द्वारा जो व्रत रखा जाता है, जो विवाह होने के बाद फेरे होने के बाद खोला जाता है, उस व्रत को क्या कहते हैं, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। बता दीजिए भाई, बेहतरीन सवाल है। बताइए, सवाल पूछे कि जब वधु का विवाह होता है और वधु के विवाह के समय बारात आती है, शादी के बाद में इसके जो घर वाले व्रत खोलते हैं उसको कहते हैं कन्यावल। क्या कहते हैं भाई? कन्यावल कहते हैं कि कन्या के लिए रखा गया व्रत। इसको याद रखना है आपको। फिर आपको याद रखना है एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछा जाएगा बारणा रोकना क्या है, क्या रोकना, बारणा रोकना क्या है, तो बारणा रोकना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब बारात क्या होती है भाई, वापिस शादी वादी करके लड़का अपने घर पे आता है तो लड़के की जो बहनें होती है वो उनको क्या करती है, बाहर गेट पे ही रोक देती है, वो भाई अंदर एंट्री नहीं है, बाहर खड़े रहना है। तो उस दौरान जो लड़की का जो भाई, लड़की के जो भाई होगा, जो दूल्हा होगा, उसकी बहनें क्या करेगी, उसको दरवाजे पर ही रोक देगी और दरवाजे पर रोक लेगी और उनसे क्या मांगेगी भाई, रोकड़ा मांगेगी और रोकड़ा दे। तो आपको याद रखना है कि बारणा रोकना, जो दूल्हा होता है उसकी बहन के द्वारा उसकी एंट्री रोकी जाती है घर के बाहर और उसके बदले में उसे क्या लिया जाता है भाई, खर्ची ली जाती है, उसको क्या कहते हैं, बारणा कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। जो बांडा लीन मिनक है ना, जिनकी शादी वादी नहीं हुई है, वो याद रखना, ये आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, और जिनका हो रखा है उनको मत पूछो क्योंकि दुखती रग पे कोई हाथ नहीं लगाता है। अगला सवाल देखो, चंदू जी का गड्ढा तथा बोड़ीगामा, चंदू जी का गड्ढा और एक है बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। बताइए, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन जवाब देना है। चंदू जी का गड्ढा है और बोड़ीगामा स्थान है, वो हमारे राजस्थान में किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, या जाजम छपाई के लिए? बता दीजिए भाई, बेहतरीन सवाल है। कल्पना गौतम, मोती सिंह जी चौहान नेक देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जीवराज दांदू, पवन मेड़ा, मोहसिन खान, राजमल मीणा, वेरी गुड। ऐसे सवालों का सीधा सीधा आंसर देना होता है आपको। आकाशपुरी, नितिका, जीवराज, कल्पना, चेतन नामा, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर आपको बताना, बताइए। हाँ, तो इसका आंसर है भाई तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है कौन सा गांव, बोड़ीगामा, और चंदू जी का गड्ढा, ये दो अलग अलग गांव हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोड़ीगामा गांव कहाँ है, क्या पूछे जाएगा आपसे कि तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोड़ीगामा गांव कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, सर बोड़ीगामा गांव है ये तो डूंगरपुर में है। कहां पर है भाई, डूंगरपुर के अंदर है। और फिर आपसे सवाल पूछे कि ये चंदू जी का गड्ढा कहां पर है, तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा में है। किसमें है? बांसवाड़ा के अंदर है, जो तीर कमान के निर्माण के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। अब आपसे मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा राजस्थान तीरंदाजी अकादमी कहां पर है, राजस्थान तीरंदाजी अकादमी कहां पर है, अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, राजस्थान तीरंदाजी अकादमी भाई राजस्थान के किस जिले में है, डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है भाई, डूंगरपुर जिले में है तीरंदाजी अकादमी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में तीरंदाजी से रिलेटेड, और क्या सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज प्लेयर जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए तीरंदाज जिनका नाम था लिंबाराम। लिंबाराम ने कहते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा लिंबाराम का संबंध पूछे तो आप कहोगे सर तीरंदाजी से था, और इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार। सवाल लिंबाराम जी से रिलेटेड ये भी पूछा जा चुका है, इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है भाई उदयपुर जिले से। किस जिले से है, उदयपुर जिले से हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। उससे पहले वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मजा नहीं आ रहा है, लाइक करोगे तो अधिक आनंद आएगा, और जब अधिक आनंद आएगा तो अंदर से और भी सवाल क्या होंगे, फूट फूट कर बाहर आएंगे और अपन कूट कूट कर उसका जवाब देंगे। तो राइट आंसर देखिए अगले सवाल का। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताइएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। बताओ भाई, छेड़ा फाड़ना क्या है? अच्छा सवाल है, गजब सवाल है और बेहतरीन सवाल है। छेड़ा फाड़ने का मतलब बताना है आपको, क्या होता है छेड़ा फाड़ना। हमारे राजस्थान के अंदर एक जनजाति है भील जनजाति, जो राजस्थान की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हैं। और आपसे पूछा जाएगा ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है क्या, तलाक होता है। क्या होता है? तलाक होता है। जब पति और पत्नी की आपस में बनती नहीं है तो समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं भाई आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, इसलिए क्या कर दिया जाए, आप दोनों को अलग कर दिया जाए, आप अपनी जिंदगी जिए और आप अपनी जिंदगी जिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो पत्नी होती है उस पत्नी का क्या होता है भाई, जो ओढ़नी होती है वो पति उसका एक छेड़ा फाड़ता है, अलग करता है और कहता है कि अब हम दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो छेड़ा फाड़ना का संबंध किससे है भाई, भील जनजाति से है। अब आपको याद रखना है कुछ बातें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि देखिए राजस्थान में भीलों के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे सर? राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है भील। दूसरा सवाल पूछा जाएगा भीलों को क्या कहा जाता है, वन पुत्र कहा जाता है। वन पुत्र किसने कहा था, तो कर्नल टॉड ने कहा था। भील सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, तो भील सर्वाधिक निवास करते हैं भाई उदयपुर के अंदर, यानी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा भीलों के बारे में, तो भीलों की जनसंख्या की दृष्टि से ये राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। दूसरी बड़ी क्या है भाई, जनजाति है, ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भीलों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो आप कहोगे सर जनसंख्या तो उदयपुर में है, लेकिन अगर पूछे राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक भील कहाँ पर है, इसकी दृष्टि से प्रतिशत की दृष्टि से, तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा जिले में है। किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जब भीलों के बारे में बात होगी तब आपसे पूछा जाएगा कुछ सवाल, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भील जनजाति के लोग किसकी कसम झूठी नहीं खाते हैं, तो कालाजी या कालाजी को ही क्या कहा जाता है भाई, केसरिया नाथ जी कहते हैं। क्या कहते हैं, केसरिया नाथ जी कहते हैं। तो भील जनजाति के जो लोग होते हैं कालाजी या केसरिया नाथ जी की क्या पीकर भाई, केसर पीकर क्या नहीं पीलते हैं। ये जब केसर पी लेते हैं तो केसर पीकर क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भील जनजाति प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए किसकी पूजा करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ हो गई, आग हो गई, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, और प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए ये लोग होवन माता की पूजा करते हैं। किसकी, होवन माता की पूजा करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उस गांव का मुखिया क्या कहलाता है। ये अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर, भील जनजाति में गांव का मुखिया उसको कहते हैं पालवी। क्या कहा जाता है, पालवी। लेकिन भीलों के कुल देवता के बारे में बात आएगी तो आप क्या कहोगे सर, भीलों के कुल देवता है टोटम। क्या है भाई, टोटम भीलों के कुल देवता हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा भीलों का रणघोष कौन सा है, तो आपको सर भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। क्या है भाई, फायरे फायरे हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा भीलों का पवित्र वृक्ष कौन सा है, तो भीलों का पवित्र वृक्ष के बारे में आपसे पूछे आप कहोगे सर महुआ है। कौन सा है भाई, महुआ है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम याद रखना भाई हाथी मन्ना नृत्य है। कौन सा नृत्य है, हाथी मन्ना नृत्य। कब किया जाता है, तो हाथी मन्ना नृत्य भील जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको गजब दिखेगा और इसका आंसर भी देना है। और लगातार आपको वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करते रहना है। फिर अगला सवाल पूछा है, किस शासक, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। तो राजस्थान के वो शासक बताने हैं जिनके दरबार में गंधर्व 22 रहा करती थी। इतना अच्छा पूछा है, बेहतरीन पूछा है, इसका आपको क्या देना है, जवाब देना है, बता दीजिए। गजब सवाल पूछा है आपसे, क्या पूछा है, गजब सवाल पूछा है आपसे, और आपको इसका आंसर देना, बताओ भाई। इतने अच्छे सवाल का अच्छे से आपको आंसर देना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, बताइए। महाराजा मानसिंह, मानसिंह के बाद में और आपके हैं जयसिंह, जयसिंह के बाद में भगवंत सिंह, भगवंत सिंह के बाद में प्रताप। तो अब आप मेरे को बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा भाई। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आंसर देना है आपको, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों ने जो आंसर बताया है, शुरुआत में सबके तुक्के आ रहे थे लेकिन अब तुक्के नहीं आ रहे हैं, मतलब सही हो रहा है, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है भाई डी। डी का मतलब कौन हुआ, सवाई प्रताप सिंह, यानी जयपुर के शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जिनके दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 अलग अलग विषयों के क्या थे, विशेषज्ञ थे। तो अब सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि एक तो इन्होंने हवा महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इन्होंने हवा महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह क्या करते थे, स्वयं ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे, ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे। क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे, ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा इन्होंने जयपुर के अंदर कौन सा सम्मेलन बुलाया, संगीत सम्मेलन बुलाया था। और संगीत सम्मेलन बुलाकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था भाई, एक क्या किया था, सम्मेलन बुलाकर एक ग्रंथ का संकलन करवाया था जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ का इन्होंने क्या करवाया था, संकलन करवाया था। और इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने लिखी थी, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे, उन्होंने इसकी क्या बताई थी भाई, रूपरेखा बताई थी। आपको पता है प्रताप सिंह जी के संगीत गुरु कौन थे, तो प्रताप सिंह जी के संगीत गुरु पूछे तो आप कहोगे सर इनके संगीत गुरु थे चांद खां। कौन से खां, चांद खां थे, ये भी आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होगा कि इनके काव्य गुरु कौन थे, तो काव्य गुरु के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर काव्य गुरु थे गणपति भारती। कौन थे भाई, गणपति भारती इनके काव्य गुरु थे। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि तमाशा, तमाशा किसके समय जयपुर में आता है, तो सवाई प्रताप सिंह के समय। और जयपुर चित्रशैली का, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये काल भी किसका था, अपने जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का काल था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। जो ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। 1787 के अंदर इन्होंने तुंगा का युद्ध लड़ा था और तुंगा के युद्ध में इन्होंने क्या किया था भाई, किसको हराया था, मराठा सरदार महादजी शिंदिया को हराया था। और आपको पता होगा कि इसके अंदर इनकी सहायता करने वाले जोधपुर के शासक विजय सिंह भी थे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको अच्छा मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। क्या पूछ रहा है सवाल, पूछा यह है, निमाड़ी और रांगड़ी किस बोली की विशेषता हैं, तो निमाड़ी और रांगड़ी है ये किस बोली की उपबोलियां हैं। हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख भाषाएं और भाषाओं में बोलते हैं बोलियां और कैसी उपबोलियां, और बोलियां और उपबोलियों के बारे में आपको बताना है कि बताइए भाई कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। अच्छा सवाल है और इसका आपको आंसर देना है, बताइएगा भाई। निमाड़ी और रांगड़ी बोली के बारे में आपसे पूछा है, इतना अच्छा सवाल पूछा है और इसका आपको आंसर देना है, बताइए। बिल्कुल, निमाड़ी और रांगड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। किसकी, मालवी की उपबोलियां हैं मेरे भाई, किसकी, मालवी की। इसका मतलब ये मालवा के क्षेत्र में बोले जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि निमाड़ी में और मालवी में दोनों में, निमाड़ी में और रांगड़ी में दोनों में फर्क है। और निमाड़ी और रांगड़ी में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निमाड़ी कहते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिणी राजस्थान में क्या किया जाता है भाई, इसको बोली जाती है। और आपसे पूछा जाएगा रांगड़ी के बारे में, तो आप कहोगे सर ये मालवा के क्षेत्र में, मालवा के अंदर जो राजपूत रहते थे उन राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। तो मालवा के राजपूतों की बोली है निमाड़ी। फिर आपसे पूछा जाएगा सॉरी रांगड़ी, और पूछा जाएगा कि ये आवाज है ये किसका मिश्रण है, तो ये मारवाड़ी प्लस किसका मिश्रण है भाई, मारवाड़ी और मालवी दोनों भाषाओं का क्या है मिश्रण है। इन दोनों भाषाओं का ये क्या है भाई मिश्रण है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक बोली है जिसका नाम क्या है भाई निमाड़ी। कौन सी है भाई, निमाड़ी है। और निमाड़ी के बारे में याद रखना है, यह मेवाती की उपबोली है जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। ये आवाज में थोड़ी ये भाषा होती है कर्कश होती है, थोड़ी तेज होती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। बाकी इन दोनों भाषाओं पर किसका प्रभाव दिखता है भाई, गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव दिखता है। इस पर किसका, गुजराती और किसका मराठी भाषा होती है, इसका प्रभाव दिखता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किस पर दिखता है, ये दिखता है आपके निमाड़ी पर। किस पर दिखता है भाई, निमाड़ी पर आता है, याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल है वो देखते हैं। देखिएगा भाई क्या जवाब दे रहा है और क्या पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो हमारे राजस्थान के अंदर संत एवं संप्रदाय जो आपसे पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड आपसे पूछा है, और पूछा है अलखिया संप्रदाय का संबंध बताइए भाई। अलखिया संप्रदाय के बारे में पूछा है कि अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख संत एवं संप्रदाय पढ़ते हैं, और संत एवं संप्रदाय में आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, अलखिया संप्रदाय के बारे में। अब आपको इसका क्या देना है भाई, जवाब देना है। बताइए भाई अलखिया संप्रदाय के बारे में क्या जानते हैं आप, और इसका आपको आंसर देना है। बताइए अलखिया संप्रदाय, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आ रहे हैं भाई। अलखिया संप्रदाय के बारे में अच्छा सवाल पूछा है और बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे। इसके बारे में पूछा है अलखिया संप्रदाय के संस्थापक, बताइए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दबा के आंसर आ रहे हैं आपके। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक बता रहे हैं भाई, आधे जने गलत बता रहे हैं, आधे जने सही बता रहे हैं, और आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। बिल्कुल 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 लगभग लगभग बताए हैं वो आपने सही बताए हैं। हमारे राजस्थान के अंदर एक महाराज हुए हैं लालगिरी, और लालगिरी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अब अलखिया संप्रदाय से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा अलखिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी का जन्म कहां पर हुआ। तो ये जब भी आपसे पूछे आप कहोगे सर इनका गांव जन्म हुआ था, एक गांव है सुलखनिया गांव, और सुलखनिया गांव कहां पर है, चूरू में है। यहाँ पर इनका क्या होता है भाई, जन्म होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है। तो प्रधान पीठ के बारे में आपसे जब भी पूछे तो आप कहोगे सर प्रधान पीठ है वो हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में है। किस जिले में है, बीकानेर जिले में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा लाल दास जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो आप कहोगे सर एक तो लिखी इन्होंने कुंडलियां, क्या लिखी थी, कुंडलियां लिखी थी, और दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा था। अगर ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर अलख स्तुति प्रकाश, और अलग स्तुति प्रकाश की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि अलखिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन होते हैं। तो इनके सर्वाधिक अनुयायी होते हैं वो भी आपको याद रखना है, मोची जाति के लोग होते हैं। किस जाति के लोग, मोची जाति के लोग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इन्हीं से रिलेटेड, और क्या सवाल पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि लालगिरी जी का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो आपको पता है बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। तो याद रखना इनकी यहाँ पर क्या बनी हुई है, बीकानेर के अंदर समाधि बनी हुई है जो लाल पत्थर से निर्मित है। लालगिरी के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भी आपके बारे में पूछा जाएगा और अच्छा पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए भाई ये सवाल है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो जयपुर के अंदर एक थिएटर है जिसका नाम है राम प्रकाश थिएटर, और राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। महाराजा राम सिंह सेकेंड, ईश्वरी सिंह, महाराजा विजय सिंह या महाराजा मान सिंह? फटाफट बेहतरीन आंसर देना है आपको। और भाई लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने अर्धशतक को फटाफट पूरा कर दीजिए। कौन से शतक को? अर्धशतक को कर दीजिए भाई। जितेंद्र महावर, मोहसिन खान, हनुमान लाल चौधरी, जगदीश जाट, कल्पना गौतम, एम के कश्यप, प्रेम शर्मा, मोहसिन खान, युवराज दांदू, बताइएगा भाई फटाफट आंसर बताना है आपको। आकाश पुरी, अजू परमार, राइट आंसर बता दें एमआरएम के कल्पना, वेरी गुड। तो आपसे ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? सर जयपुर के एक शासक थे जिनका क्या नाम था? राम सिंह जी। और राम सिंह जी कौन से? राम सिंह जी सेकेंड। और राम सिंह जी सेकेंड के समय 1878 में, कब? 1878 के अंदर इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? राम प्रकाश थिएटर का। 1878 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। अब आपसे पूछा जाएगा ये राम प्रकाश थिएटर क्या था? तो आप कहोगे सर ये उत्तर भारत का प्रथम रंगमंच था। यानी उत्तर भारत का कैसा? प्रथम रंगमंच था, जहां पर किसका होता था? नाटक होते थे भाई। क्या था? नाटक होते थे, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये उत्तर भारत का प्रथम रंगमंच था, लेकिन राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर था। कैसा थिएटर था? फारसी थिएटर था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर क्या है? तो क्या कहोगे? राम प्रकाश थिएटर है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपको राम सिंह जी सेकंड के बारे में याद रखनी है, और वो सवाल आपसे अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। बता दीजिए भाई। अब मैं आपको बताऊंगा अपने जयपुर के शासक जिनका क्या नाम था? राम सिंह जी। और राम सिंह जी से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। राम सिंह जी, और राम सिंह जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह सेकंड से पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि इनको अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। और याद रखना जब 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति के समय ये जयपुर के शासक थे। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा इन्होंने हुनरी मदरसा की क्या की थी? स्थापना की थी। तो हुनरी मदरसा क्या था? तो यहाँ पर एक क्या था? कला विद्यालय था। इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ क्या कर दिया जाता है? आर्ट्स कर दिया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है इसके बारे में कि इन्होंने क्या करवाया था भाई? इन्होंने जयपुर को कैसे रंग से रंगवाया था? जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया था। क्यों रंगवाया था जयपुर को गेरुए रंग से? तो 1868 के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर आते हैं और जयपुर, उनके स्वागत के लिए जयपुर को क्या करते हैं भाई? गेरुए रंग से रंगवाते हैं। और जयपुर को पिंक सिटी कहने वाला एक पत्रकार था जो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ आया था, जिसका नाम था स्टैनले रीड। स्टैनले रीड ने एक पुस्तक लिखी थी रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, और रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर इसने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। कौन सी सिटी? पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी पहली बार कहने वाला वो था स्टैनले रीड। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था। तो पूछे जयपुर में रामनिवास बाग का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह जी सेकंड ने करवाया था। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इन्होंने जयपुर के अंदर कौन सा बांध बनवाया था? रामगढ़ बांध बनाया था। कैसा बांध? रामगढ़ बांध बनाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में तो आप ये कहोगे सर ये जयपुर के अपने पहले शासक थे जिन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, महाविद्यालय की। इन्होंने महाराजा महाविद्यालय की स्थापना की थी। महारानी विद्यालय की स्थापना की थी और जयपुर के अंदर पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये बात अलग है कि इन्होंने जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आया था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर झाड़ फूंक और देसी इलाज है वो ज़्यादा चलता था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किसके बारे में? राम सिंह सेकंड के बारे में। वीडियो को भाई लाइक करना है और अर्धशतक फटाफट पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइएगा भाई। एक नृत्य है बम, बताइएगा बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताना है आपको। अलवर और भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, जयपुर और अजमेर, उदयपुर और सिरोही। इतना अच्छा सवाल पूछा है, बम नृत्य। अच्छा सवाल है। हाँ, ये भाई मेरे महिपाल, ये बांस का स्वभाव नहीं होता है, ये बॉश का स्वभाव होता है। किसका स्वभाव होता है? तो पहले तो अपनी राइटिंग सुधार। बॉश का स्वभाव होता है, नॉट बांस। बांस तो यार वो घास है जो एक दिन में क्या बढ़ती है, 8 से 10 इंच तक बढ़ती है। बांस एक घास है, तो बांस नहीं है, बॉश है। ठीक है, तो बॉश का स्वभाव लिख, बांस का स्वभाव मत लिख। बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या है। वेरी गुड। तो आपको पता है हमारे राजस्थान के अलवर और भरतपुर, अलवर और भरत मतलब पूर्वी राजस्थान में, कहां पर? पूर्वी राजस्थान के अंदर। कहते हैं कि जब रबी की फसल पकती है, किसकी फसल? रबी की फसल पकती है, तो यहाँ के जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े खुश होते हैं, और बड़े खुश होने के बाद क्या करते हैं भाई? बम नृत्य करते हैं। और पूछे बम का मतलब क्या होता है, तो बम का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? बम एक मोटा क्या होता है भाई? नगाड़ा होता है। एक क्या होता है भाई? बम एक बड़ा ढोल होता है। क्या होता है? बड़ा ढोल होता है। गांव के गुआड़ में रखते हैं और उसके बाद इसको बजाते हैं और बम क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। बम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये औनद वाद्य यंत्र है। कैसा? औनद वाद्य यंत्र है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर मैं आपको बता दूं, हमारे राजस्थान के अंदर ये जो बम नृत्य होता है, उस समय जो महिलाएं जो गीत गाती है वो किसके गीत गाती है भाई? बम रसिया गीत गाती है। कैसे गीत? बम रसिया गीत, जिन्हें रसिया गीत भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। धक्का नहीं देना है रे भाई, धक्का नहीं देना है। ठीक है, अगला सवाल है। अब बॉस का स्वभाव देखो। अगला सवाल है जो आपसे क्या पूछ रहा है, सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? बताइए भाई। अच्छा सवाल पूछा है, और सुगन चिड़ी का बताइएगा भाई, सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है? बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल पूछा है आपसे। बताइए भाई, सुगन चिड़ी का अवतार किसको माना जाता है? इतना अच्छा, इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताइएगा भाई फटाफट, गजब सवाल पूछा है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, सुगन चिड़ी का अवतार किसको माना जाता है? वेरी गुड, तो आपको पता होना चाहिए सुगन चिड़ी का अवतार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और बेहतरीन सवाल पूछा है। बताइए भाई, वेरी गुड। तो आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान के अंदर एक माता है जिनका नाम है स्वांगिया माता। कौन सी माता है भाई? स्वांगिया माता है। स्वांगिया माता के बारे में याद रखना, इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर का कौन सा राजवंश? भाटी राजवंश है। और भाटी राजवंश की ये कैसी देवी है भाई? कुल देवी है। भाटी राजवंश की कैसी देवी है? कुल देवी है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी देवी है? स्वांगिया माता है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा स्वांगिया माता से रिलेटेड, कि भाटी राजवंश की कुल देवी है और इनको सुगन चिड़ी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जो इनका जो भाला होता है, इनका भाला है वो मुड़ा हुआ है। पूछ ले किस लोक देवी का भाला है वो मुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर स्वांगिया माता है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर है भाई जैसलमेर के अंदर एक जगह है गजरूप सागर। क्या है भाई? गजरूप सागर के पास इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इस मंदिर के पास कहते हैं कि जो माताजी है, इन माताजी को क्या भगत माना गया है? पालम चिड़िया या सगुन चिड़िया का क्या माना गया है? अवतार माना गया है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है बेहतरीन सवाल, और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब देना है, नहीं तो बॉस का स्वभाव आप जानते हो। बालिंद जी के गुरु कौन थे? हमारे यहाँ पर एक गुरु है बालिंद जी, और बालिंद जी के गुरु बताने हैं आपको। बताओ भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए भाई बालिंद जी के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल पूछा है भाई। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय में पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है, बताइए भाई बालिंद जी के गुरु कौन थे? क्या पूछा है? बालिंद जी के गुरु कौन थे? अब बताइएगा भाई, कौन बता रहा है सबसे पहले? ऐसे सवाल अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। तो आप बता दीजिए बालिंद जी के गुरु कौन थे? संत बालिंद जी का नाम सुना है? बालिंद्राथ बालिंद, बताइए। अच्छा सवाल पूछा है, बताइए गुरु कौन थे इनके? अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। बालिंद जी के गुरु आपसे पूछे हैं और आपको इसका आंसर देना है। वेरी गुड। रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी या दादू दयाल जी? गुरु पूछा है भाई आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनके गुरु थे संत दादू दयाल। किसके? बालिंद जी के बारे में। बालिंद जी के बारे में आपको याद रखनी है दो तीन बातें, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, अगर पता है तो भी इतनी नहीं है। पहला सवाल आपसे पूछे बालिंद जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ या बचपन का नाम क्या था, तो इनमें इनको बचपन में कहा जाता था बलवंत। बलवंत, ठीक है, नाम इनका बलवंत थे, बलशाली थे, इसलिए इनको बालिंद जी कहा गया था। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये वो साधु थे, ये वो साधु थे जिन्होंने क्या किया था भाई, जो साधु होते थे उन साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया था। साधुओं को कैसा प्रशिक्षण दिया था? साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण, साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देने का कार्य किया था इन्होंने। ये भी आपको याद रखना है। किसने दिया था? तो बालिंद जी ने दिया था। और इन्होंने जिन साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया वो क्या कहलाए? तो आप क्या कहोगे सर? वो कहलाए थे लश्करी। क्या कहलाते थे? लश्करी कहलाए। फिर ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने औरंगजेब के समय लगभग 52 देव मूर्तियां, औरंगजेब था ना, ये मतलब अपना गुरु मानते थे दादू दयाल को, लेकिन औरंगजेब के समय इन्होंने लगभग 52 मूर्तियां थी, वो जो 52 मूर्तियां राजस्थान में इन्होंने क्या करवाई थी? स्थापित करवाई थी। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बालिंद जी है, इन बालिंद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हरिद्वार के अंदर जब धार्मिक विद्रोह हुआ था, हरिद्वार के अंदर कैसा विद्रोह हुआ था? धार्मिक यानी धर्म को लेकर विद्रोह हुआ था। उस धार्मिक विद्रोह के अंदर इन्होंने क्या किया था? साधुओं का सैन्य नेतृत्व किया था। जो साधु थे उन साधुओं का कैसा नेतृत्व किया था? सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल अपने बेहतरीन सवाल है, आपको याद रखना है। रेशमा बानो कह रही है सर टॉपिक वाइज लगाइए रीट के लिए। तो रीट के लिए टॉपिक वाइज भी लगा देंगे, लेकिन अपने यहाँ पर ये रीट से बेहतर है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि रीट का सिलेबस इसमें पूरा कवर हो रहा है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताइए भाई जाहर पीर के नाम से। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। हमारी क्लास का टाइम मेरे भाई रहता है 8:30 बजे से। 8:30 बजे से ये शुरू होती है, लेकिन खत्म कब होती है ये मुझे नहीं पता है। खत्म तब होती है तब करीब करीब मेरा टारगेट रहता है कि 1500 सवाल, कितने सवाल, 1500 सवाल मैं सॉल्व नहीं करवा दूं तब तक खत्म नहीं करता हूं। और इसके लिए अपने को लगभग 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है, या ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे से 2.25 घंटे के बीच में टाइम लगता है। तो आपको बताना है भाई जाहर पीर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए। राजस्थान के लोक देवता पढ़े हैं आपने, और लोक देवता में एक लोक देवता पढ़े हैं और उन लोक देवता का नाम आपको बताना है कि जाहर पीर के नाम से कौन जाना गया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं गोगा जी। क्या? गोगा जी। अब गोगा जी के बारे में आपको मैं बताऊं तो आपको याद रखना है गोगा जी से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। इनको क्या कहा जाता है, सांपों का देवता। किसका देवता? सांपों का देवता, द गॉड ऑफ स्नेक्स। फिर आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा इनको कहा जाता है जाहर पीर। कौन सा पीर? जाहर पीर कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहते हैं भाई गोगा नवमी। कौन सी नवमी? गोगा नवमी। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ इनकी माता कौन थी? तो माता का नाम पूछे तो बांछल, पिता का नाम पूछे तो क्या करोगे, जेवर जी। पिता का नाम क्या था? जेवर जी था। फिर आपसे पूछा जाएगा गुरु कौन थे भाई? तो गुरु थे इनके गोरखनाथ। कौन से नाथ? गोरखनाथ थे। फिर आपसे पूछा जाएगा गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी के घोड़े के नाम के पूछे तो आप क्या कहोगे, घोड़ा था भाई नीला, नीला घोड़ा था। गोगा जी का जो झंडा होता है उस झंडे को क्या कहते हैं भाई, निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गोगा जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गोगा जी की याद में नृत्य किया जाता है भाई कौन सा? तो आप कहोगे सर सांकड़। क्या? सांकड़। इनका जो पुजारी होता है वो कौन होता है भाई? वो होता है चायल जाति का। किस जाति का? चायल जाति का। कहते हैं कि इनके मंदिर के अंदर जो एक होता है मुस्लिम पुजारी और एक होता है हिंदू पुजारी। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव के देवता के रूप में भी ये क्या होते हैं, पूजे जाते हैं। तो एक मुस्लिम पुजारी और एक हिंदू पुजारी होता है। आपको ये भी पता होगा कि गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था, तो ये क्या था, गजनवी ने, क्योंकि इन्होंने गजनवी के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में कि गोगा जी थे, इन गोगा जी के मौसेरे भाई का क्या नाम था? तो गोगा जी के भाई थे जिनका नाम था मौसेरे भाई। मौसेरे मतलब मासी के बेटे भाई, जिनका नाम था अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। फिर आपसे पूछा जाएगा गोगा जी के सहयोगी कौन थे? तो गोगा जी के सहयोगी से आप क्या कहोगे, चांदा डेमा और हरमल। चांदा डेमा और कौन था भाई, हरमल। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आगे देखिए गोगा जी के बारे में पूछ ले तो आपको याद रखना है कि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो मंदिर की जो आकृति है वो है मकबरे नुमा। कैसी नुमा है भाई? मकबरे नुमा इनकी आकृति है। और मकबरे नुमा मंदिर की आकृति का निर्माण इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण करवाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। कौन था भाई? FST था। ये भी आपको याद रखना है। बाकी आगे सवाल देखते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल आपको क्या कहता है, देखिएगा। सवाल आपको ये कह रहा है भाई कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में किन जिलों को शामिल किया गया है आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताओ भाई, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है और आपको क्या करना है भाई, इसका आंसर देना है। बता दीजिए भाई, अच्छा सवाल पूछा है आपसे और अच्छे से आपको क्या देना है, जवाब देना है। बताइए, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे और आशा करता हूं कि ये सवाल आप सबका सही हो। बताइए, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम, बेहतरीन सवाल है भाई और अच्छा सवाल है। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप कह रहे हो सर अलवर और भरतपुर के अंदर है। क्या बता रहे हो आप? अलवर और भरतपुर के अंदर बता रहे हो। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे सर मेवात क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम है जो अलवर और भरतपुर के अंदर चलाया गया था, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है ये, काजरी का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, CAZRI इसका मतलब है काजरी, और काजरी का पूरा नाम बताना है मेरे भाई। चार ऑप्शन है और आपको इसका सही और सटीक क्या देना है भाई? जवाब देना है। अब बताइए काजरी, क्या काजरी के बारे में पूछा है? बताओ भाई। सेंट्रल एग्रीकल्चर जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जॉनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल हेरिट जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल हेरिट जॉनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, गजब सवाल है, बताइएगा। वेरी गुड मोहसिन खान, जीवराज दांदू, सैनी लोकेश, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो आप लोग। और इसका मतलब है कि इसमें से आधे जने डापाचूक हो गए हैं भाई। डापाचूक होने का मतलब नहीं है। CA का मतलब सेंट्रल, A का मतलब एरिड, Z का मतलब जॉन, R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। अब आपसे पूछा जाएगा ये काजरी कहाँ पर है? आप कहोगे सर जोधपुर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर जिले के अंदर। लेकिन काजरी क्या करती है और काजरी से रिलेटेड और सवाल कौन कौन से बन सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो देख लो भाई, सवाल आपसे पूछा जाएगा किससे रिलेटेड? काजरी से रिलेटेड। तो देखिए काजरी, काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई ऑस्ट्रेलिया। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मदद की थी और एक किसने मदद की थी? यूनेस्को ने। इन दोनों ने हमें फंड दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया था, इसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है भाई? शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर, शुष्क प्लस अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर वनों और कृषि का विकास करना। वन और कृषि का क्या करना भाई? वन व कृषि का विकास करना है, ये भी याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा काजरी के बारे में और पूछा जाएगा इसकी स्थापना से रिलेटेड ये जो काजरी है, इस काजरी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? तो आप क्या कहोगे सर? राजस्थान के अंदर काजरी के उपकेंद्रों के बारे में अगर बात करूं कि काजरी के अंदर उपकेंद्र कितने हैं, तो काजरी के उपकेंद्र हैं राजस्थान में कितने? 5 उपकेंद्र है। कितने? 5 उपकेंद्र है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। किसके बारे में? काजरी के बारे में याद रखना है। ये राजस्थान के अंदर वनों का क्या कर रही है? कृषि का संरक्षण और अनुरक्षण का कार्य कर रही है। आगे बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा भाई? अगला सवाल ये पूछा जाएगा, देखिए राजस्थान के कोटा और बारां में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? बताइए भाई। तो कोटा और बारां के अंदर बनाई जाने वाली चूंदड़ी, और ये किस प्रकार का कार्य है ये आपको बताना है। टाई एंड डाई, पॉटरी, हाथ की कढ़ाई या फिर पेंटिंग। तो बता दीजिए भाई चूंदड़ी, चूंदड़ी के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं। तो पूछा है कोटा और बारां के अंदर बनाई जाने वाली चूंदड़ी के बारे में पूछा है, ठीक है। चूंदड़ी मंगा दे मैंने तारा सु जड़ी, ठीक है, मेरी चूंदड़ उड़ उड़ जाए, संभाल नहीं रही हूं मैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चूंदड़ी से रिलेटेड कौन कौन से है भाई? चूंदड़ी जयपुर सु मंगाई, बताओ भाई सारा बीरा, जयपुर जाइजो आता तो लाइजो, तारा री चूंदड़ी, बहुत सारे गीत है चूंदड़ी के ऊपर। और ये चूंदड़ी वाले गीत है वो कैसे गीत है भाई? वो याद रखना है भाई, श्रृंगार वाले गीत है। कैसे गीत है? श्रृंगार वाले। बताओ भाई। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई मोहसिन खान, आकाशपुरी, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन जिन लोगों ने ए किया है ना, ईमानदारी से उनका सवाल सबका गलत है। ए वालों का क्या है भाई? गलत है, मैं आपको बता दूं। टाई एंड डाई है जिसको बंदेज कहा जाता है, और बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। तुक्का मत मारो, सवाल का सही और सटीक आंसर दो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है भाई? हाथ की कढ़ाई होती है, हाथ से कुछ क्या होती है भाई? कढ़ाई होती है, याद रखना। टाई एंड डाई जिसको बंदेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बंदेज। टाई का मतलब बांधो और डाई का मतलब सुखाओ, याद रखना है आपको, ठीक है। और पेंटिंग नहीं है, ब्लू पॉटरी का निर्माण तो जयपुर का है, ये तो आपको पता है। और पेंटिंग, पेंटिंग में भी नहीं है, इतना अच्छा सवाल दिया है आपको। ओ नो कर रहे हो, ओ यस कर रहे हो, ये ओ नो ओ यस ओ या शब्द छोड़ दो, बाकी आप पढ़ने लग जाओगे क्योंकि आपके लक्षण खराब पड़ चुके हैं। अब राइट आंसर दीजिए भाई, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन जवाब देना है आपको। और अगला सवाल है ये वाला, निम्नलिखित में से किस बोली का मालवी पर शक्तिशाली प्रभाव है? बताओ भाई, मालवी भाषा पर किसका शक्तिशाली प्रभाव है? बताओ, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है। मालवी भाषा पर किसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है और आपको आंसर देना है कि मालवी बोली पर शक्तिशाली प्रभाव है किसका? ढूंढाड़ी का, अहिरवाटी का, वागड़ी का या मेवाती का? बताओ भाई, अच्छा सवाल पूछा है। मालवी, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है मालवी, और मालवी भाषा पर किसका प्रभाव है? बताओ, वेरी गुड, मालवी भाषा पर किसका प्रभाव है ये आपको बताना है। मालवी भाषा पर किसका प्रभाव है ये अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? बताइए भाई, अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे। और ऐसे सवाल जब पूछते हैं तो डापा चूक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? डापा चूक। वेरी गुड, क्या आंसर है भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस आंसर में जिन स्टूडेंट ने, हनुमान लाल चौधरी ने गजब का आंसर बताया है, लोकेश ने भी गजब का आंसर बताया है, आकाश ने भी गजब बताया, वीरेंद्र सिंह भाटी साहब बहुत बढ़िया, माधुरी भार्गव, आकाश पुरी, रमेश पटेल बनोड़ा, आकाशपुरी, तनुजा रावल, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। वागड़ी बोली आपने कहा है और वागड़ी बोली एकदम सही और सटीक है, सही और सटीक है। आपको पता होगा वागड़ी बोली जो कहते हैं कि भील जनजाति क्षेत्रों में बोली जाती है, ये जो वागड़ी या बागड़ी बोली है ये भील जनजाति द्वारा बोली जाने वाली क्या है? बोली है। और इस बोली के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जो बोली है इसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, इन्होंने इस बोली को बेली बोली कहा था। कौन सी बोली कहा था? बेली बोली कहा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ पर बोली जाती है, तो एक तो बोली जाती है बांसवाड़ा के अंदर, इसके अलावा कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर के अंदर, और कहाँ पर बोली जाती है? प्रतापगढ़ के अंदर, और कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही के अंदर बोली जाती है। और इस भाषा पर किसका प्रभाव है? तो इस भाषा पर अगर प्रभाव आपसे पूछे तो आप कहोगे सर गुजराती भाषा का और मालवी भाषा का प्रभाव दिखता है। एक तो गुजराती का प्रभाव है और एक मालवी भाषा का क्या है भाई? प्रभाव है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सटीक जवाब है। ऐसे सवाल आपको क्या करते हैं भाई? कट ऑफ से या तो अंदर कर देते हैं या कट ऑफ से क्या कर देते हैं? बाहर रहते हैं। जो बाहर होते हैं वो कहते हैं यार मार तो 2 नंबर कम पड़ गया और मैं 12 भेगी हूँ। तो आप गलती कहाँ करते हो? अपनी गलती को आप अगर कैचअप करना सीख गए तो सफलता आपके हाथ में है, और अगर आपने अपनी गलतियों को इग्नोर करते करते चले तो आप धीमे धीमे गलतियों की जगह बहुत बड़ा गलता कर दोगे और वो गलता आपकी विफलता का एक कारण होगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि पूछा ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी गायकी है जो लोक गायन में शामिल नहीं है? लोक गायन में क्या है भाई? शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक गीत पढ़ते हैं, उन लोक गीतों में अलग अलग प्रकार की क्या आती है भाई? लोक गायन की शैलियाँ आती है, और उसके अंदर आपको इसका क्या देना है? जवाब देना है। बताइएगा भाई, सही और सटीक आंसर देना है आपको और गजब तरीके से आपको जवाब देना है। बताइए भाई, एक तो दे रखा है ढोला, क्या दे रखा है? ढोला। एक दे रखा है आला, क्या दे रखा है भाई? आला। और एक तरफ क्या दे रखा है? ध्रुपद। और एक क्या दे रखा है? 12 मासा दे रखा है। क्या दे रखा है? 12 मासा दे रखा है। बताइए भाई, इनमें से कौन सी लोक गायन की श्रेणियों में शामिल नहीं है? तो बताइए भाई, अरे भाई ध्रुपद तो गाय की है, ध्रुपद तो गाय की है, आप लोग शी फिर गलत कर रहे हो। बताओ बारह मासा गीत नहीं है, बारह मासा एक चित्र शैली चित्रकला है, और चित्रकला के अंदर कहते हैं 12 महीनों के क्या होते हैं भाई चित्र, 12 महीने होते हैं ना, और 12 महीनों के क्या होते हैं भाई अलग अलग ऋतुओं के चित्र बनते हैं, और ऋतुओं के जो चित्र होते हैं उनको 12 मासा कहा जाता है। भाई लोग तुम लोग है जो तैयारी सटीक और जबरदस्त नहीं कर रहे हो। अगर आपको तैयारी तरीके वाली करनी है तो मात्र 499 के अंदर आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, और कोर्स खरीदने के बाद उस कोर्स को पढ़िए। और अगर आपको कोर्स देखना है और खरीदना नहीं है तो सबसे पहले आप डेमो वीडियो पढ़िए, और डेमो वीडियो में देखिए कि हमारी टीम आपके लिए कितना मेहनत कर रही है। भाई मेरे पढ़ लो, ये गलत आंसर मत बताओ। ध्रुपद गायकी है, आला गीतों का प्रकार है, ढोला एक गीतों का प्रकार है। डी ऑप्शन सही हो रहा है। 12 मासा क्या है भाई, 12 महीनों के जो चित्र होते हैं अलग अलग चित्र शैलियों में, ये याद रखना है भाई। ठीक है, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है। इस तरह से डापा चूक नहीं होना है, ये डापा चूक हो गए तो फिर ध्यान रखना जिंदगी खराब हो जाएगी। हर सवाल में डापा चूक थोड़ी होते हैं, आप सब लोग कंपटीटर हो और क्या कर रहे हो, इस बेरोजगारी के बुरे दौर से गुजर रहे हो। कई स्टूडेंट कमरा लेकर रह रहे हैं, कई लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, कई लोग अपने परिवार को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिनके लिए उनको सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी की आवश्यकता है। बताओ किस सूफी मत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। अब बताइए भाई शांतिपूर्वक प्रचार करने वाले कौन थे जिनका नागौर के अंदर सुवाल गांव के अंदर क्या बना हुआ है भाई, सुवाल गांव के अंदर इनका केंद्र बना है। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन, कौन थे भाई इनमें से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने ऐसे आंसर आते हैं। बताइए, अच्छा सवाल पूछा है आपसे और गजब सवाल पूछा है, बताइएगा। ऐसे सवालों के भी आंसर बताने पड़ते हैं आपको। तो इनमें से कौन से संत है जिनका नागौर के अंदर है प्रभाव, किस जिले में? नागौर जिले में इनका प्रभाव है। अब तो बता दो भाई कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये आंसर आप लोगों ने सही और बिल्कुल सटीक दिया है मेरे भाई। शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन जिनका संबंध कहाँ से है? नागौर के सुवाल गांव से है। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सूफी संत हमीदुद्दीन के बारे में पूछा जाएगा कि हमीदुद्दीन है ना, इनके बारे में क्या पूछा जाएगा कि बताओ भाई इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह के बारे में आप कहोगे सर इनकी दरगाह है सुवाल गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर? सुवाल गांव। कहाँ पर है भाई? नागौर में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके बारे में कि इनका क्या नाम मिलता है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भाई सन्यासियों का सुल्तान। किसका सुल्तान? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है सुल्तान उत तारकिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सुल्तान और सुल्तान उत तारकिन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। इसी में ही इसके इनके गुरु कौन थे भाई? तो इनके गुरु के बारे में पूछे तो याद रखना मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर वाले हैं ना, वो इनके क्या थे भाई? गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से मत का प्रचार किया था? तो ये सूफी मत के साधु थे। कौन से मत के? सूफी मत का प्रचार करने वाले थे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। भाई आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा। और अगला सवाल है ये, क्या पूछ रहा है आपसे? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? पूंजा, नापा, गोविंद और मंडन। आपको बताना है हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर एक किला बना हुआ है जो कहाँ पर बना हुआ है? कुंभलगढ़ में बना हुआ है। कुंभलगढ़ का मतलब राजसमंद में बना है, और राजसमंद में बना है इसका मतलब आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। अब बताओ भाई आप क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, बेहतरीन सवाल और गजब सवाल पूछा है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था संप्रति मौर्य ने। संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन ये किला उस समय तक क्या हो गया था, केवल क्या हो गया, ध्वस्त अवस्था में था। और जब ये ध्वस्त अवस्था में था, बिल्कुल बिखरा हुआ था, तो बुद्ध किसकी नजर पड़ती है, कुंभा की नजर पड़ती है। और कुंभा ने इसका क्या करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। कुंभा ने कहा इस जगह पर पहले कोई किला था कि हाँ, तो पहले कोई किला था तो इसका पुनः निर्माण करवाओ। और पुनः निर्माण के समय इसका वास्तुकार कौन था भाई, इसका वास्तुकार था मंडन। कौन था भाई, मंडन। और मंडन के बारे में आपसे सवाल पूछे तो मंडन के बारे में क्या जवाब पूछे जा सकते हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है। आपको पता है मंडन कौन था, तो मंडन कुंभा का प्रधान शिल्पी था। कुंभा का कैसा था भाई, प्रधान शिल्पी था। कुंभा का प्रधान शिल्पी था, जो क्या करता था, आर्किटेक्ट था। ये सवाल आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये कुंभा कहाँ का रहने वाला था, तो ये गुजराती ब्राह्मण हुआ करता था। ये गुजरात का ब्राह्मण था और कुंभा का दरबारी था। किसका दरबारी था, तो याद रखना दरबारी था ये कुंभा का। इसने बहुत सारी क्या लिखी है, पुस्तकें लिखी है। जैसे इन्होंने लिखी है प्रासाद मंडन, और पूछे प्रासाद मंडन के अंदर इन्होंने किसका उल्लेख किया है, तो प्रासाद मंडन के अंदर इन्होंने देवालयों और मंदिरों के निर्माण की क्या दी है, जानकारी दी है। फिर आपसे पूछा जाएगा और क्या लिखा इन्होंने, तो और इन्होंने राजवल्लभ मंडन, कौन सा मंडन, राजवल्लभ मंडन लिखा था। इसके अलावा इन्होंने लिखा था रूप मंडन, कौन सा मंडन, रूप मंडन लिखा था। इन्होंने लिखा था कोदंड मंडन, कौन सा मंडन, कोदंड मंडन लिखा था। इन्होंने लिखा था शकुन मंडन, कौन सा मंडन, शकुन मंडन लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने लिखा था वास्तुसार, और इन सब ग्रंथों का एक अलग अलग मतलब हुआ करता था। जैसे रूप मंडन में इन्होंने कहा कि मूर्ति कला कैसी होनी चाहिए, मूर्ति का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताया था। राजवल्लभ के बारे में इन्होंने मूर्ति का, इसमें तो मूर्ति की आकृति और इसमें मूर्ति निर्माण के समय किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होगी और किस प्रकार मूर्ति का पत्थर होना चाहिए। फिर लिखा कोदंड मंडन में इन्होंने कहा कि धनुष का निर्माण कैसे किया जाता है, अच्छा धनुष कैसे होता है। फिर देखिए शकुन का मतलब होता है, शकुन और अपशकुन के बारे में इन्होंने क्या दी थी, जानकारी। फिर लिखा इन्होंने वास्तुसार, और वास्तुसार के अंदर इन्होंने वास्तुकला की क्या दी थी, जानकारी दी थी। सवाल देखो आजकल ये पूछा जा सकता है कुंभा द्वारा लिखित इस ग्रंथ के अंदर किस प्रकार की जानकारी मिलती है, ये इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है और उसका जवाब आपको देना है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है भाई, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अंदर किस संस्थान की क्या की थी, स्थापना की थी। इसकी आपको सही और क्या देनी है भाई, सटीक जानकारी देनी है। बताइए भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और क्या पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की थी। बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या नारा दिया था, वेदों की और लोटो, तो इन्होंने ये बात कही थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्थान की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना उदयपुर में नहीं होती है। इजलास खास सभा की स्थापना तो सज्जन सिंह के समय हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर पूछा है महिंद्राज सभा, इसकी स्थापना भी बाद में हुई थी, तो इसका मतलब है परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर होती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, रामानुज संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, दादू पंथ या नाथ पंथ। पूछा किसका है भाई, आपसे पूछा है भाई नाथ संप्रदाय का। अब बताना है आपको कि राजस्थान के अंदर महामंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। बताओ, बहुत बढ़िया है भाई, अच्छे अच्छे सवाल दे रहे हैं और अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। गलती से मैंने भी आंसर बोल दिया है, फिर भी आप लोग गलत बता रहे हो, तो अब आपका क्या किया जाए, बताओ भाई। मोहसिन खान, राज खटेक, जीवराज दांदू, कल्पना गौतम, बताओ भाई, वेरी गुड। नाथ पंथ, आपको पता है नाथ पंथ का जो अगर पूछे कि ये नाथ पंथ है, ये प्रधान पीठ, कैसी पीठ, प्रधान पीठ पूछे नाथ पंथ की कहाँ पर है, तो प्रधान पीठ है भाई महामंदिर के अंदर। और ये जो महामंदिर है ये नाथ पंथ से संबंधित है। ये महामंदिर 84 खंभों पर निर्मित एक मंदिर है। 84 खंभों पर निर्मित मंदिर कौन सा है? महामंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था भाई? तो आप कहोगे सर जोधपुर के शासक मान सिंह थे। और मान सिंह को क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा कहा जाता है। कैसा राजा कहा जाता है? सन्यासी राजा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको पता है जोधपुर के अंदर है उदय मंदिर, और उदय मंदिर का भी संबंध किससे है भाई? नाथ संप्रदाय से है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? भाई साहब प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, बता दीजिए भाई। आपकी पूरी क्लास कहाँ देखने को मिलेगी? तो देखिए भाई आपको पूरी क्लास देखने के लिए कहाँ मिलेगी? तो आप जो ऐप है ना वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर ही आपको क्या मिलेगी? जो ये चैनल है ना, इस चैनल के अंदर बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी मेरी। तो शीश फूल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है रे? बता दो। बहुत बढ़िया आंसर है और बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों का गलत आंसर कभी नहीं देते हैं और दबा के क्या देते हैं भाई? आंसर देते हैं। बताओ भाई कौन सबसे पहले आंसर बता रहा है? बहुत बढ़िया भाई। ऐसे सवाल में भी अक्सर अपन क्या होते हैं? डापाचूक हो जाते हैं। और देखो डापाचूक हो रहे हैं स्टूडेंट। सवाल आपसे पूछा है कि सिर का आभूषण पूछा है। तो देखो भाई सिर का आभूषण है, शीश, शीश का मतलब हो गया सिर। मारवाड़ में कहावत है सिर पड़े न धड़ लड़े, याद है कि नहीं है? कि सिर पड़ जाता है लेकिन फिर भी धड़ अपने दुश्मनों से मुकाबला करता है। तो देख लीजिए भाई सिर पड़े न धड़ पड़े, इसका मतलब ये सिर का आभूषण है शीश फूल। अब देखो एक आभूषण है गोफण। कौन सा फण? गोफण भी कहाँ का है भाई? सिर का है। आपको याद रखना। एक होता है बोर, जिसको बोरला कहते हैं। एक होता है रकड़ी, रकड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। एक होता है पतरी, क्या होता है? पतरी। एक होता है मोड़, क्या होता है भाई? मोड़। एक होता है आपके झेला, क्या होता है? झेला। एक होता है आपका सिर मांग, कौन सा मांग? सिर मांग होता है। इसके अलावा और क्या होता है भाई? टिड्डी भड़को, कौन सो भड़को? टिड्डी भड़को। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है टिड्डी भड़को। और क्या होता है भाई? बिंदिया, बिंदिया। ये बिंदी भी कहाँ का है भाई? सिर का है। एक होता है मेमद, क्या होता है भाई? मेमद होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। टिक्की, टिक्की और बिंदी ये भी कहाँ का है भाई? सिर के आभूषण है। किसके हैं भाई? महिलाओं के। एक होती है निम्बोली, क्या होती है भाई? निम्बोली। और निम्बोली भी कहाँ का है भाई? सिर का है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ऐसे सवाल भी अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है और ये सवाल पूछ रहा है राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बताओ भाई श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। बता दीजिए मोहसिन खान, सोहन लाल निनामा काफी दिनों बाद दिखे हो, राज खटीक, विशाल वैष्णव, मोहसिन खान, हनुमान लाल चौधरी। बता दीजिए भाई मोहसिन खान। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। हरीश रावत, वीडियो को लगातार लाइक करता ही रहना है भाई। कल्पना गौतम, विशाल वैष्णव, आकाशपुरी, जीवराज दांदू, बताइएगा। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। नाग पंचमी, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नाग देवता की पूजा होती है। अब आपसे पूछा जाएगा नाग पंचमी के दिन एक मेला लगता है वीरपुरी का मेला, और वीरपुरी का मेला पूछे कहां पर आयोजित होता है? तो आप कहोगे सर मंडोर के अंदर आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? मंडोर पर आयोजित होता है। ये याद रखना है। किसके बारे में? श्रावण कृष्ण पंचमी के बारे में। अगला सवाल देखिएगा और अगले सवाल में पूछा जाएगा तीज। तीज के बारे में कभी पूछे तो तीज के बारे में आप कहोगे सर ये जो तीज होता है ना, ये तीज मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को इसलिए मनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छोटी तीज कहा जाता है। कैसी तीज कहा जाता है भाई? छोटी तीज कहा जाता है। और ये जो छोटी तीज है ना, इसकी क्या विशेषता है? तो ये पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है, याद रखना है आपको। जो इसके पत्नी है उनको पता है, जिनके पति है उनको पता है, जिनके पति नहीं है और जिनकी पत्नी नहीं है अर्थात बांडा है उसको नहीं पता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। फिर आपको याद रखना है इस दिन पूजा किसकी होती है? शिव पार्वती की। किसकी? पार्वती की, शिव पार्वती की। फिर आपसे पूछा जाएगा तीज की सवारी कहाँ की है प्रसिद्ध है भाई? तो तीज की सवारी पूछे तो जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा जाएगा तीज के दिन कैसा हो, कौन सी महिला ओढ़नी ओढ़ती है? तो ओढ़नी कौन सी ओढ़ती है भाई? हाँ, लहरिया। कौन सी है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसको कौन सी तीज कहते हैं? इसको हर्तालिका तीज कहते हैं। कौन सी तीज? हर्तालिका तीज कहते हैं। यह कहते हैं कि पहली बार जिनकी शादी हो रखी होती है और पहली बार शादी के बाद जो पत्नी होती है वो क्या करती है भाई? अपने पीहर में तीज मनाती है, ससुराल में नहीं मनाती है, याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगला सवाल है रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन के बारे में आपको याद रखना है कि सर ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सी पूर्णिमा को? श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। भाई और बहन होता है उसके प्रेम का क्या है? त्योहार है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी में ही। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस दिन को क्या कहते हैं? तो इस दिन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नारियल पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन इस दिन पूजा किसकी होती है? तो याद रखना इस दिन पूजा भाई की नहीं होती है, इस दिन पूजा होती है श्रवण कुमार। आप लोगों ने गाना सुना होगा, बेटा श्रवण पानीड़ो पिलाए मन में घनी प्यास लगी, आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अगला सवाल जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है भाई? तो जन्माष्टमी मनाई जाती है भाई कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? जन्माष्टमी। किसका जन्म हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना गया है इस दिन। श्री कृष्ण का क्या माना गया है? जन्म माना गया है। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, पूछता है ना कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और राधा का जो जन्म हुआ था वो राधा का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जो जन्म हुआ था, और उस दिन कहते हैं कि जो रात थी वो कैसी थी भाई? वो उस दिन रात थी चांदनी, और भगवान कृष्ण पैदा हुए उस समय अंधेरी रात थी। ध्यान रखना, याद रखना है। राधा अष्टमी पूछे तो शुक्ल पक्ष, और आपको कृष्ण जन्माष्टमी पूछे तो कृष्ण पक्ष। महीना करोगे भाद्रपद। कौन सा महीना करोगे? भाद्रपद करोगे, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है, बताइएगा भाई, राजस्थान में तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। राजस्थान में तेजाजी पशु मेला से रिलेटेड आपसे बात की है, और ये कौन सी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको क्या करना है? बताना है। बता दीजिए भाई, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। और करेक्ट आंसर बताना है, गलत आपको कुछ भी बताना नहीं है। राजस्थान के अंदर जब अपन पशु मेले पढ़ते हैं, और पशु मेलों में आपको पता होगा, कल मैंने एक बताया भी था कि राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन पर्यटन विभाग करता है। जब भी पशु मेलों की बात होगी तो राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग है ना, इस पर्यटन विभाग के द्वारा पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। और ये कितने मेले हैं? 10 मेलों का आयोजन पर्यटन विभाग करता है, 10 पशु मेलों का आयोजन। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपको इसका आंसर देना है, ये कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये अपने नागौरी नस्ल के जो पशु होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि तेजा जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर के अंदर आयोजित होता है। पर्वतसर कहाँ पर है भाई? नागौर के अंदर है। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अपने तेजा जी का पशु मेला ये कब लगता है? तो ये शुरू होता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को तो ये शुरू होता है और कब तक चलता है? श्रावण पूर्णिमा से तो ये चलता है भाई भाद्रपद अमावस्या तक। कब? भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। ऐसा फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा और सवाल ये पूछा जाएगा किसकी याद में? तो याद में अपने धौलिया वीर जिनका नाम है वीर तेजा जी की याद में ये मेला लगता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसकी क्या विशेषता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कैसा मेला है भाई? राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है इस मेले से रिलेटेड कि ये जो मेला है राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है तो इसका मतलब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। और आय की दृष्टि का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो यहीं से होती है। ये याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे ये मेला कब आयोजित हुआ था, कब से आयोजित होने लगा, तो अपने मारवाड़ के शासक थे महाराजा अभय सिंह जी। और अभय सिंह जी के काल में इस मेले की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। ऐसे सवाल भी अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश लखारा, आकाशपुरी, मोहसिन खान, लीला बाटाडू। अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और अगला सवाल है ये सवाल पूछ रहा है अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसका क्या नाम रखा था? ये आपको बताना है। तो उदयपुर पर अकबर ने अधिकार किया था और इसका नाम क्या रखा था ये आपको बताना है। तो अकबर के द्वारा उदयपुर का क्या नाम रखा गया था बताइएगा भाई। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अपने जालोर को जलालाबाद कहा जाता है। जालोर को कौन सा बाद कहा जाता है? जलालाबाद कहा जाता है। और उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा कि तो चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है खिजराबाद। कौन सा बाद कहा जाता है? खिजराबाद कहा जाता है। उसी प्रकार सिवाना को क्या कहा जाता है भाई? सिवाना को कहा जाता है खैराबाद। क्या कहा जाता है भाई? खैराबाद कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जालोर, चित्तौड़, सिवाना के बाद में जयपुर के बारे में पूछे तो जयपुर को क्या कहा जाता है भाई? जयपुर को कहा जाता है मोमिनाबाद। कौन सा बाद कहा जाता है? मोमिनाबाद कहा जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा अकबर ने जयपुर का क्या नाम रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। कौन सा बाद रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। ये आपको आंसर देना था, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि देखिए कच्छवा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद यानी विभाग सारणी के रूप में किया गया और इसके अनुवादकर्ता कौन थे? अच्छा सवाल पूछा है। कच्छवा शासन काल में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के समय सारणी का क्या किया गया था? एक विभाग बनाया गया था और उसके अंदर उसका जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। अब आप इसका क्या दोगे? आंसर दोगे। सही, सटीक और जबरदस्त आंसर दोगे। ऐसा मैं आपसे उम्मीद भरी नज़र से लगातार देखने का प्रयत्न कर रहा हूं। बताइएगा भाई। वेरी गुड। हाँ, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। बताइएगा भाई। अच्छा और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर देना है भाई। वेरी गुड। तो ये भाई आप लोग जो बता रहे हो ना कि सर संसार चंद्र सेन और संसार चंद्र सेन वाले मेरे भाई आप लोग गलत बता रहे हो। जिन्होंने केवल राम बताया है वो सही बताया। क्या नाम बताया है? केवल राम के बारे में। और केवल राम कहते हैं कौन था, तो केवल राम जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का ये क्या था भाई, दरबारी था। और इन दरबारी थे, इसके अलावा ये ज्योतिष के विशेषज्ञ थे, ज्योतिष विद्या के क्या थे, विशेषज्ञ थे। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में, इसके दरबारी थे, तो ये सवाई जय सिंह के दरबारी थे, सवाई जय सिंह के ये क्या थे, दरबारी थे। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि इन्होंने क्या लिखी थी, एक लिखी थी दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष सारणी लिखी थी इन्होंने। और इन्होंने क्या लिखा था, और इन्होंने लिखा था जय विनोद सारणी। कैसा विनोद, जय विनोद सारणी की इन्होंने रचना की थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा और इन्होंने कौन सी सारणी लिखी थी, ब्रह्म सारणी लिखी थी। कौन सी सारणी, ब्रह्म सारणी लिखी थी। फिर इन्होंने क्या लिखी थी, तारा सारणी लिखी थी। कौन सी सारणी, तारा सारणी लिखी थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इन्होंने लिखा था मिथ्या जीव छाया सारणी, मिथ्या जीव छाया सारणी ये भी इन्होंने लिखी थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। किनके बारे में, केवल राम के बारे में। कौन से राम के बारे में, केवल राम के बारे में, जो सवाई जय सिंह के दरबार में रहता था। अब अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो आपसे ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है इसका जवाब आपको देना है। देखिए, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासों की रचना की थी, तो सवाई जय सिंह के एक दरबारी जिन्होंने राम रासों की क्या की थी, रचना की थी। कौन थे भाई, रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास, श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि। बताइए भाई, सवाल क्या पूछा है कि इनके दरबार में किसकी रचना हुई थी। भाई इनके दरबार में एक रचना हुई थी जिसका नाम था राम राशा, और राम राशा के लेखक कौन थे। अब बताइए भाई, राम राशा किसने लिखा था। अच्छा सवाल है, क्या पूछा है, राम राशा। एक तो राम रासो है जिसे माधो सिंह ददवाड़िया ने लिखा था, तो राम राशा किसने लिखा। अच्छा सवाल है, ये लिखने वाले थे श्री कृष्ण कवि भट्ट, कवि कलानिधि। देखो, इन्होंने लिखा था राम राशा, और राम रासों के बारे में पूछे कि राम रासो किसने लिखा, तो ये लिखोगे आप माधोदास ददवाड़िया, माधोदास ददवाड़िया है। तो राम रासो और राम राशा में क्या है, फर्क है, रात दिन का फर्क है, अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग भाषाएं हैं। ये भी आपको याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है आपसे, देखिएगा भाई ये वाला, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, सांगानेर, आमेर, सांबर या चौमू। तो जयपुर के शासक थे जिनका नाम था भारमल, और भारमल की एक बेटी होती है जिनका नाम होता है, कौन सा नाम होता है भाई, बताइए, हरकाबाई। और हरकाबाई का क्या पूछा है आपसे, विवाह पूछा है। बताइए भाई, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन आंसर देना है। बता दीजिए भाई, हरकाबाई का विवाह हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सांगानेर, आमेर, सांबर। वाह वाह वाह, कहाँ पर हुआ था, सांबर के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है। भारमल कौन था, तो भारमल प्रथम राजपूत शासक था, प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी भाई, भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा इसकी क्या दी थी, उपाधि दी थी। और इसको 5000 का क्या दिया था, मनसब दिया था। और कहते हैं कि भारमल ने अपने पुत्र का नाम था भगवंत दास, और अपने पोत्र का क्या नाम था भाई, पोत्र का नाम था मान सिंह, और इन दोनों को अकबर की सेवा में भेजा था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी कब, 1562 के अंदर की थी। कहाँ पर की थी, तो याद रखना कहाँ पर की भाई, सांगानेर के अंदर की थी। और यहाँ पर वो किसकी खास, किसकी सहायता से अकबर से मिले थे, चगताई खां की सहायता से मिले थे। लेकिन पहली बार अकबर से मुलाकात इन्होंने 1556 में की थी। कहाँ पर की थी, तो दिल्ली में की थी। और आपको ये भी पता होगा किसकी सहायता से की थी, मजनू खां से की सहायता से की थी। तो पहली मुलाकात मजनू खां की सहायता से, दूसरी चगताई खां की सहायता से की थी। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है भाई। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे इसी तरह नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को शानदार, दमदार और जबरदस्त करते रहिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।